नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं रविन गुप्ता आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज 44वां दिन है, 44 डेज हो चुके हैं जो मैंने मुहिम स्टार्ट की है कि आपको रोज एक नया मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा कि जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग करोड़पति बने हैं अपनी लाइफ के अंदर में, उन्होंने किन किन बातों पर काम किया, आप भी उन बातों पर काम करके करोड़पति की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का टॉपिक है जो है आपके पीछे दिख रहा है कि छोटी छोटी बातें आदमी को परिपूर्ण बनाती है, और परिपूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके बहुत सारे लोगों ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश किया हुआ है। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने छोटे छोटे कदम बढ़ाए, और छोटे छोटे कदम बढ़ा करके बहुत बड़ा निर्माण हुआ। जैसे कि कुछ छोटी छोटी बूंद मिल करके नदी का निर्माण करती है, तालाब का निर्माण करती है, और वही नदी तालाब मिल करके सागर का निर्माण करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटी सी बूंद से होती है। जीवन में जिन लोगों ने भी बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उन्होंने अपने अंदर छोटे छोटे परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों पर ध्यान दिया और वो सफल हो गए। जैसे कि जो लोग सिंगिंग के क्षेत्र में सफल हुए हैं, उन्होंने छोटे छोटे सिंगिंग का स्टेप, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी सारे गामा का निरंतर अभ्यास किया और वो सफल हो गए। जिन लोगों ने क्रिकेट के क्षेत्र में सफलता हासिल की, उन्होंने एक एक स्टेप पर काम किया, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया और वो सफल हो गए। जो बड़े बड़े क्लासेस, बड़ी बड़ी कोचिंग में बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई जाती हैं, वो छोटी छोटी बातों पर आपको काम करना सिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जो लोग सफल होते हैं, चाहे कंपटीशन के एग्जाम में चाहे जीवन के एग्जाम पे, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप छोटी छोटी बातों पर टिकी होती है, कि अगर आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया, उनकी एक दूसरे की अगर इच्छाएं अनिच्छाएं को ध्यान दिया, अगर उनकी छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान दिया, तो कभी लड़ाई ही नहीं होंगे। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो कभी वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपस में मनमुटाव होगा। तो आज का मेरा यही एक मैसेज है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, सफलता आपके पास जरूर आएगी, आप भी करोड़पति की श्रेणी में शामिल होंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो बेसिक्स है, बेसिक्स को ना भूलें, क्योंकि वो बेसिक्स पे काम करके लोग सफल हुए हैं। जो लोगों ने उद्योग, बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं, उन्होंने उस बिजनेस की जो बेसिक्स थी, जो नीड्स थी, उसको कभी नहीं भूले, उस पर काम किए और सफलता की श्रेणी पर अपने आप का नाम दर्ज किया। आज का वीडियो मेरा इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने जानने वालों तक, ताकि उन तक इस वीडियो तक पहुंचाया जा सके। मेरा एक पहल है, मेरी एक मुहिम है कि मैं आपके बीच में जो छोटे छोटे स्टेप लेकर के आया हूं, इसको जीवन में आप अप्लाई करके अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि बहुत सारे वीडियोस आप तक मिस ना हो। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच फिर से आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।